नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यूर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे एक नोटिस आया है। अभी अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई टीचर्स की भर्ती थी दोस्तों, उसको दोबारा से निकाल दिया है। नए सिरे से भर्ती होगी पीटीआई टीचर्स की, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस भर्ती को रद्द कर दिया गया था उसकी ये एडवर्टाइजमेंट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई पूरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2006, कैटेगरी नंबर 23 और पोस्ट का नाम है पीटीआई टीचर्स। इसमें हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से भरना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया है। ये देखिए, यहाँ से दी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम 26 मई टू 10 जून 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 26 मई से लेकर 10 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट का वेट आपने बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही स्टार्ट हो आपने तुरंत जो है इसमें अप्लाई कर देना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। रिटर्न एग्जाम के बारे में इन्होंने बताया है, वही जो क्राइटेरिया है वही अडॉप्ट किया जाएगा दोस्तों, जो पहले इन्होंने अडॉप्ट किया था। 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ, और इन्होंने बताया है कि जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, क्वालिफिकेशन मार्क्स का, क्वालिफाइंग मार्क्स का, जनरल कैटेगरी के लिए 50%, SC और BC के लिए 45% और एक्सर्विसमैन के लिए 40% का रखा गया है, उसी को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है। और जो वाइवा है वो 25 नंबर का रखा गया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने स्कैन करके डालने हैं। यहाँ पे सारा उन्होंने बताया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इसमें मेंशन करते हैं पूरी डिटेल, वो सारे के सारे आपने स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पे कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया था इसमें, उनकी भी यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन है। 566 का पेज का था ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप चेक कर सकते हैं। इन सभी कैंडिडेट्स ने पहले भी इसमें अप्लाई किया है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और इसमें मेंशन की गई है, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप वहाँ से पता करें कि आपका नाम इसके अंदर क्यों मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो आप इसको करेक्ट करवा लें दोस्तों, और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई की भर्ती के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।